एमटी लिए हाल ना तो अंदर टीसी नंबर 1171। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप गाइस आप सब बड़े होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे गाइस। और ये वीडियो शूट हो रहा है, आज ब्लॉग ये शूट हो रहा है बीचों बीच हम लोग का गांव का इस तरह का रोड से। और ये देख सकते हैं आपका भाई का धन्नो आ भी चुका है, और वहां पे देख सकते हैं एमटी का ऑनर टूले और पीछे हम लोग का बैठा हुआ है डमरू, ठीक है। और आज हम लोग जा रहे हैं शोरूम, शोरूम क्यों जा रहे हैं गाइस वहीं पे जाके मालूम चल जाएगा। उस दिन आया था आज से एक सप्ताह पहले विजय का, ठीक है, दुल्हन जो कि एमटी, और आज दूसरा दुल्हन लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग डमरू के लिए। और कौन सा लेके आएंगे दुल्हन वो शोरूम जाके आप लोग को मालूम चलेगा। सो इसीलिए बने रहे गाइस आज का ये ब्लॉग में, आप लोग को बहुत ही मजा आने वाला, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट जाने वाला है और मिलते गाइस वहीं पे जाके, तब तक के लिए बने रहे। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शोरूम, ठीक है, और अंदर जा चुका है हम लोग का डमरू भाई और टूले। खोई और ये चेक करो गाइस हम लोग का डमरू भाई का न्यू दुल्हन मॉन्स्टर कलर। हाँ तो खुश डमरू, खुश। तो वैसे आप लोगों को बोला था सरप्राइज सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज ये है हम लोग का भाई का दुल्हन आ चुका है एकदम चमकदार में मॉन्स्टर कॉलर। मेरा और इसमें ना गाइस ये डिफरेंट है, ठीक है, मेरा जो ये नहीं है, और जो इसका डिस्प्ले है ये भी पूरा चेंज है, जो इसका इंडिकेटर है ये भी चेंज है, ठीक है, फुल लोडेड है अभी। अभी हम लोग 25 कर रहे हैं डाउन पेमेंट। डॉक्यूमेंटेशन जो काम है और तुम ले वो गाड़ी तुम्हारा उनका नाम पे गाड़ी होगा। उम्र कितना है तुम्हारा? 20 हो गया, दोबारा से गाड़ी हो जाएगा। और मम्मी के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, मम्मी का आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए, तुम्हारा सिर्फ आधार कार्ड देने से हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस फाइनली उनका भाई का जो दुल्हन है न्यू दुल्हन वो बुक हो चुका है, ये देख लो चमकता हुआ एकदम, ठीक है। और ये रहा बुक किया हुआ अमाउंट जो कि 25,000 है, ठीक है, 25,000 है। और बाद में आएंगे और डाउन पेमेंट कितना होगा यहाँ से कटअप करके तभी मिलाएंगे, क्योंकि जो हम लोग का भाई है शायद उसका नाम भी नहीं आएगा, उसका मम्मी या पापा का नाम नहीं आएगा क्योंकि पापा मम्मी अभी घर पे नहीं है। सो बाद में आएंगे 5-6 बजे, ठीक है। सो अभी सिर्फ बुक करके गया हुआ है, बाद में आएंगे 6 बजे फिर से। सो वीडियो भी बने रहे गाइस आप लोग, ठीक है। और इसका डिलीवरी गाइस आप लोग को दिखाएंगे एकदम चमचमाता हुआ हम लोग का एम मॉन्स्टर, ठीक है। सो अभी इसको लेके चलते हैं घर, उसके बाद में मम्मी पापा को लेके आते हैं। सो गाइस फिर से आपका अजय भाई का चैनल में स्वागत है आप सभी को, क्योंकि गाइस आप लोग ने पहले भी देखा होगा इंट्रो, और अभी भी इंट्रो दे रहा हूँ क्योंकि गाइस जब ये बुकिंग किया था ना आज से 2 दिन पहले, ठीक है, और 2 दिन पहले हम लोग ने बुक करके आया था, हम लोग ने सोचा था कि इवनिंग टाइम में जाएंगे, लेकिन उसका मम्मी थोड़ा सा काम में बिजी हुआ था, ठीक है, इसलिए फ्री नहीं हो पाया, कल भी फ्री हो नहीं पाया, परसों भी फ्री नहीं था, ठीक है, बहुत बिजी था मम्मी काम पे। सो अब आज पहुंच भी गया है सुनील और उसका मम्मी, और हम लोग का दोस्त बल्लू भी पहुंच गया। अभी हम लोग को भी वहाँ पे फटाफट से जाना है क्योंकि कॉल करके बुलाया हुआ है। जो बुकिंग किया हुआ स्लिप है ना वो मेरा पास है, और थोड़ा सा अमाउंट जो है डाउन पेमेंट करने के लिए वो भी मेरा पास है, ठीक है। सो वहीं जाके मिलते हैं गाइस, आप लोग पूरा वीडियो में बने रहे क्योंकि ये वीडियो में गाइस बहुत ही डिटेल्स आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि क्योंकि मिनिमम कितना किससे कितना डाउन पेमेंट होता है, ठीक है, R15M का, और EMI कितना तक जाता है आपका 2 साल या 3 साल होने से कितना तक जाता है, ये सारा आप लोग को डिटेल्स ये वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। सो बने रहे गाइस ये वीडियो में पूरा, ठीक है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं शोरूम, ठीक है, और ये रहा सुनील और सुनील का मम्मी। आंटी कस्तो बाइक हेरे अरे बस्ने जगह छैन, कस्तो बाइक हेरेछ तँले बस्ने जगह छैन ल यस यस जा। सो दे चुका हूँ, ठीक है, जो बुकिंग किया हुआ अमाउंट था पेपर वो दे चुका है। अभी ये रहा शोरूम और भाई का जो दुल्हन है ये है चमचमाता हुआ, ठीक है। आंटी यहाँ छो ना सीढ़ी तब यहाँ बस्नु
एमटी ली आलना था अंदर जैसे भी डाउन पेमेंट ज्यादा कर हां सेम गाड़ी मान ले सेम सेम लो मजा आता मेरे पे तो सेम सेम सा यार मेरा आर मेरा R15M तेरे पे भी R15M सिर्फ कलर तो वो बोला बड़ी से ले हाल तू ले हाल जा हम तो ना डॉम ले लेगा डॉम यार ना राइस खा के आ चुका है। ठीक है अभी यहाँ भी चल रहा है मेरा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट और यहाँ देख सकते हैं हम लोग का लोंडा लोग, ये दूसरा लोंडा, तीसरा लोंडा जिसका आज हम लोग लेने जा रहे हैं भन्नो। ठीक है और वहाँ देखो चौथा लोंडा, वो क्या कहना गाइस कि अपना जो बाइक है वो घर में छोड़ के आया, इसीलिए उसका वजह से जो है प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है तो वो दो जन जाएगा, ठीक है इसका बाइक लेने के लिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे शोरूम। और बहुत दिन से ना गाइस बहुत दिन से ये प्लानिंग चल रहा है कि आज जाएंगे कल जाएंगे कल जाएंगे परसों जाएंगे। ठीक है तो इसीलिए पेपर वर्क में भी थोड़ा सा लेट हो चुका है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि दो तीन दिन चार दिन पाँच दिन हो गया। ठीक है दो दिन गया नहीं हुआ, तीसरा दिन गया नहीं हुआ, इसलिए आज जा रहे आज तो गारंटी होगा। तो उसको देख सकते हैं पूरा उसका चेहरा उतार गया क्योंकि इतना हम लोग शोरूम में दौड़ा। और आज जाएंगे और आज जाएंगे, ठीक है और आज तो कन्फर्म है कि आज लाएंगे लाएंगे। ठीक है और क्योंकि बहुत दिन हो गया। तो गाइस आप लोग ने पूरा वीडियो देखा होगा कि दो तीन दिन से हम लोग कैसा भटक रहा है। ठीक है अभी जा रहा है हम लोग का पूरा बारात, आगे दो जन और पीछे दो जन और ये मेरा। ठीक है अभी हम लोग जा रहा है पूरा बारात लेके शोरूम और शोरूम से लेके आएंगे दुल्हन। सो ये देखो गाइस हम लोग आ चुका है, ठीक है दुल्हन लेने के लिए और हम लोग का बारात पीछे देख सकते हैं, अकेला है वो और आगे वो रहा, ये पूरा हम लोग का बारात आ चुका है ये दुल्हन को लेने के लिए, जो कि ये जो भाई है हम लोग का दो तीन दिन से बहुत ही तड़प रहा था अपना दुल्हन को देखने के लिए। और इसका दुल्हन देख सकते हैं कहाँ चढ़ेगो, तो नया नया दुल्हन माथी मेरे है भाई। और ये है उसका दुल्हन। ठीक है और हम लोग पूरा बारात आए हैं आज दुल्हन को लेके जाएंगे, क्योंकि आप लोग ने वीडियो देखा होगा बहुत दिनों से हम लोग बहुत भटक रहे इधर उधर। और अभी भैया आएगा और भैया देगा इसका डिलीवरी। ठीक है TC number 1171। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। ठीक है अभी जो भैया था वो भैया आ रहा है, भैया जब आएगा तब प्रोसेस स्टार्ट होगा। प्रोसेस आज ज़्यादा स्टार्ट तो नहीं है, वो सिर्फ इतने काम बाकी है कि जो बैंक है उसको L&T फाइनेंस से जो है लिंक कराना है। ठीक है सो अभी यहाँ पे हम लोग रुके हैं, भैया कब आएंगे देखते हैं। और यहाँ पे मेरे को मालूम चला है कि ये जो शोरूम है ना गाइस यहाँ पे सेकेंड हैंड बाइक भी रखता हुआ है जो ये पड़ा हुआ है। और अंदर देख सकते हैं बहुत सारा बाइक जो है सेकेंड हैंड स्कूटी वगैरह पड़ा हुआ है। और आप लोगों को किसी को भी अगर सेकेंड हैंड चाहिए बाइक स्कूटी और यहाँ सब अवेलेबल है। ठीक है आप लोग का नया का साथ साथ आप लोगों को सेकेंड हैंड भी यहाँ पे मिलेगा ना भैया, सेकेंड हैंड भी मिलेगा आप लोग को, नया का साथ साथ सेकेंड हैंड भी मिलेगा। ठीक है सो आप लोग नए अगर लेने का मूड हुआ तब भी आइएगा और सेकेंड हैंड अगर लेने का मन हुआ तब भी आइएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को सेकेंड हैंड भी मिलता है। ठीक है सो अभी हम लोग रुके हुए हैं, भैया देखते कब आएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से जल्दी से निकलेंगे क्योंकि आज हम लोग का सुखना में मैच है। ठीक है मैच देखने जाएंगे। और इसका दुल्हन का क्या क्या मिलेगा भैया, इसका दहेज में क्या मिलेगा इसको, गाड़ी दे रहे इतना बड़ा दहेज ना, ये तो दुल्हन हो गया, इसका दहेज में क्या देगा, इसका पेट्रोल वोल दूसरा दहेज में क्या क्या देगा। हाँ हाँ और देखना पड़ेगा भाई को दहेज में क्या क्या मिलेगा। ठीक और गाइस वो वहाँ पे जो आप लोग दिखाई दे रहा है ना वहाँ पे हम लोग का बल्लू है। ठीक है वो जो वहाँ पे देखे बल्लू अपना बाइक जो है वहाँ पे काम करा रहा है। ठीक है उसका जो आँख है ऐसा आँख, ठीक है वहाँ पे स्टिकर लगा रहा है और हम लोग भी अभी जाएंगे स्टिकर लगाएंगे, जो कि वो मेरा धन्नो जो है उसका आँख में भी थोड़ा सा स्टिकर लगाएंगे। और जो बल्लू वहाँ पे है वो लगा रहा है और ये भी लगाएगा अपना बाइक में। ठीक है ये भी लगाऊंगा, सब बाइक में आज हम लोग स्टिकर लगाएंगे। पहला नंबर में तो जाके लगा रहे हैं बल्लू, देख ही सकते हैं। तो अभी जाएंगे हम लोग भी लगाएंगे सब बाइक में। ठीक है
सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपना गांव, अपना न्यू दुल्हन लेके डमरू का दुल्हन को, ठीक है। और पहले नंबर में चेक कीजिएगा हम लोग का टूले भाई का दुल्हन, सेकंड में आपका अजय भाई का धन्नु, और थर्ड नंबर में है हम लोग का डमरू भाई का आज का न्यू दुल्हन, ठीक है, जो कि आज ही लेके आया है। और फोर्थ नंबर में देखें हम लोग का बल्लू दादा का दुल्हन, ठीक है। और गाइस हम लोग ना शोरूम से दिन को ही निकले थे, अभी हम लोग रात को अपना गांव अपना घर पहुंचे, ठीक है। क्यों बोलने से ना गाइस, हम लोग सीधा शोरूम से जैसा निकला वैसे हम लोग इसका पूजा कराने के लिए गया था, ठीक है। हम लोग का डमरू भाई का दुल्हन को पूजा कराने के लिए हम लोग गए थे, और वहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया और हम लोग सीधा सुकना चले गए, जहाँ पे सुकना गोल्ड कप हो रहा है, ठीक है। और आज मैच था गाइस नेपाल वर्सेस सुकना, जो कि नेपाल ने 7 गोल दे के नेपाल सीधा सेमीफाइनल में पहुँचा है, और कल होगा दार्जिलिंग वर्सेस खरसांग, ठीक है। और बहुत ही मज़ेदार मैच होने वाला है कल, इसीलिए हम लोग वहाँ पे जाएंगे, कल पूरा मैच देखेंगे। और जो हम लोग का है ना गाइस, कल अच्छा सा राइड भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, और फुटबॉल भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि कल कौन जीतता है, ठीक है, दार्जिलिंग वर्सेस खरसांग। और आज का ब्लॉग गाइस यहीं पर एंड करते हैं, आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा गाइस। अच्छा लगने से कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करके आपका अजय भाई को सपोर्ट कीजिएगा। और कल मिलते हैं गाइस इसी तरह प्यारा सब ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बने रहे आपका भाई अजय के साथ।